गड्डी पर गड्डी की भरमार 500 रुपए के नोट लुटाए जा रहे महिला है कौन। इतने पैसे देख मचा राजनीति में हड़कंप, देहरादून में नोटों का भूकंप। कूड़े की तरह उठाए महिला ने पैसे, फ्री में मिले हों इतने सारे नोट जैसे। तो पैसा पैसा करती है, पैसे पर क्यों मरती है, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। अब जरा इस वीडियो पर नजर बनाइए, जो भी इस वीडियो को देख रहा वो सिर्फ पैसे को देख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि नजर किसी की भी हो जाएगी तो पैसों पर ही, क्योंकि नोटों की गड्डियां जो दिख रही वो 1500 की हैं, लेकिन गड्डियां एक दो नहीं, एक महिला के आंचल में नोटों की गड्डियां रखी जा रही। महिला का आंचल तो नोटों से भर चुका, इसीलिए पैसा भी ओवरफ्लो कर रहा, लेकिन महिला का आंचल में पैसे डालने वाली महिला एक एक कर गड्डियों से दे रही। नोटों की गड्डियों को ऐसे उठाकर दिया जा रहा जैसे कूड़े की सफाई हो रही और उससे डाला जा रहा, लेकिन यहां कूड़ा नहीं बल्कि नोट ही नोट हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद उत्तराखंड में बवाल मचा है, पूरे प्रदेश में ये वीडियो आग की तरह फैल गया। जो भी देख रहा देखता ही जा रहा, इतने पैसे इस महिला के पास कहां से आए, इतने पैसे वाली ये महिला कौन है जो नोटों की गड्डियों को इस तरह से लुटा रही। इतने पैसे देने के बाद भी महिला के माथे पर शिकन तक नहीं, क्योंकि मोटी रकम के बाद अब सियासी बवाल तो हुआ है, साथ ही साथ पैसों को लेकर भी तमाम तरह के लोग बातें करने लगे, जिसके बाद अब मामला धीरे धीरे क्लियर हो चुका है। तो चलिए पहले बताते हैं कि नोटों की गड्डियों से और पैसे देने वाली महिला कौन है। पीले कलर की ड्रेस पहनकर जो महिला बैठी है और नोटों की गड्डियां उठाकर दिए जा रही है, वो महिला कोई और नहीं बल्कि एक किन्नर नेता है जो पूरा प्रदेश और सियासतदान भी जानते हैं। नाम है रजनी रावत। रजनी रावत एक किन्नर है और पॉलिटिक्स में आने की लालसा भी, लेकिन इतने पैसे के खेल को लेकर पूरा माजरा क्या है, अब जरा ये भी जान लीजिए। उत्तराखंड की किन्नर नेता रजनी रावत के तकरीबन 2.5 करोड़ के कैश लेन देन के वायरल वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बागेश्वर में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर किन्नर नेता रजनी रावत पर तमाम आरोप लग रहे। दूसरी तरफ अब उत्तराखंड का कर विभाग ने भी किन्नर नेता रजनी रावत की तरफ अपनी नजरें टेढ़ी कर ली। तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रजनी रावत के कैश लेन देन वाले वीडियो का कर विभाग ने संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि बागेश्वर में जमीन खरीदने के लिए 2.5 करोड़ का मामला हुआ, जिसमें कुछ चेक और बाकी कैश का वीडियो है। जो मेरा चेक का पैसा देना था वो मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ, ये नगद केस है मेरा। ये पहली बार नहीं जब रजनी रावत सुर्खियों में हैं। किन्नर रजनी रावत लाइमलाइट में रहने के लिए अलग ही स्वैग में दिखती हैं। अब चुनाव करीब है तो लोगों की शादी हो या इलाके में कोई कार्यक्रम, जनाधार बढ़ाने के लिए वो जनता के बीच लगातार जा रही और उनका स्टाइल एकदम निराला है। रजनी रावत सपा के बाद बसपा, कांग्रेस और आप में भी शामिल रही, यहाँ तक कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुकी हैं और आजकल बीजेपी में टिकट की उम्मीद पाल रही हैं। किन्नर रजनी रावत कहती हैं कि वो अपने कर्मों को सुधारना चाहती हैं, इसीलिए राजनीति करती हैं और बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के काम को देखकर शामिल हुई। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बारे में जानकारी ली गई है, मामले पर जल्द विभाग को निर्देशित किया जाएगा, अगर किसी भी तरह की कोई वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी।